फ्रेंड्स, इस वीडियो पे अपने पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, तो बच्चों स्ट्रेट लाइन इन स्पेस समझने के लिए इसका अपने दो फॉर्म समझेंगे। पहला फॉर्म होगा अपना कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, और दूसरा जो फॉर्मेट होगा हम लोगों का वो हो जाएगा वेक्टर फॉर्म। ओके, अब एक चीज और बता देता हूं बच्चों, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हमें मिनिमम क्या क्या चीज जरूरत होता है। सबसे पहला आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए लाइन का ऊपर का, ठीक है, और उसका डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन का मतलब हुआ डायरेक्शन कोसाइन हो सकता है, डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, ये चीज पता होना चाहिए, तब अपने इक्वेशन ऑफ लाइन बना सकते हैं। या फिर और क्या कंडीशन, या फिर अगर मुझे दो पॉइंट दिया गया है लाइन का ऊपर का, तब भी मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं। और ये दोनों ही केसेस को अपने यहां पर समझने वाले हैं। सबसे पहले अपने समझेंगे कि अगर एक पॉइंट दिया होता और डायरेक्शन दिया होता तो कैसे बनाते, ठीक है। ओके, यहां पर देखिए, मान लीजिए ये मैं थ्री डायमेंशनल सिस्टम बनाता हूं। सपोज ये हो गया एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और यहां पर कहीं पर मेरा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, मान लीजिए मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद यहां पर एक पॉइंट दे देता हूं पी, ठीक है, पी हो गया एक्स वन y1, z1। मैंने क्या क्या दिया गया बोला था, मिनिमम रिक्वायरमेंट एक पॉइंट और उसका डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन रेशियो हो सकता है, डायरेक्शन कोसाइन। मान लीजिए इस लाइन का डीसीएस हमें पता है ना, इस लाइन का डीसीएस हमें पता है, और इस लाइन का डीसीएस मैं लेता हूं, डीसीएस को मैं ले लेता हूं एल कोमा एम कोमा एन। मैंने लास्ट वीडियो पे लास्ट या उससे पहले की वीडियो पे डीसीएस और डायरेक्शन रेशियो का कॉन्सेप्ट समझाया है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये डीसीएस गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, अब अपने को क्या बनाना है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इस लाइन के ऊपर एक कोई भी दूसरा पॉइंट ले लूंगा आर्बिट्रेरी, ठीक है ना। तो यहां पर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, सपोज इसका नाम हो गया ए, और वो कोई आर्बिट्री पॉइंट है x, y, z, ठीक है। अब मान लीजिए ये लाइन को मैं x के ऊपर प्रोजेक्ट कराता हूं, मान लीजिए इस लाइन को मैं यहां से कॉपी पेस्ट करके यहां प्लॉट करता हूं, तो ये लाइन कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा क्या, ये ऐसा हो जाएगा, यहां पर ऐसा कुछ, ठीक। ये पॉइंट यहां प्रोजेक्ट करवाया, ठीक, जब ये पॉइंट यहां प्रोजेक्ट कराएंगे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1, 0, 0, ठीक, और ये आपका वो दूसरा पॉइंट है a पॉइंट जो है यहां पर, a पॉइंट यहां पर मैं दे देता हूं, ये a पॉइंट है, और ये वो p पॉइंट जो प्रोजेक्ट किए हैं, p ये पॉइंट है, एक्चुअली a पॉइंट ये है, मैंने इसको यहां से कॉपी पेस्ट करके यहां प्रोजेक्ट करवाया है, ठीक है। तो मान लीजिए बच्चों ये वाला एंगल अल्फा है, तो हमने बोल रखा था कि हमें डीसीएस गिवेन है, और आपको पता होगा डीसीएस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल, कॉस बीटा इज इक्वल टू एम, एंड कॉस गामा इज इक्वल टू एन होता है ना। तो बच्चों अगर ये वाला पॉइंट का एक्स वन वन जेड वन जब एक्स में प्रोजेक्ट किए तो एक्स वन कमा जीरो कमा जीरो हुआ, तो एक अगर मैं यहां पर प्रोजेक्ट कर देता तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता, एक्स जीरो जीरो हो जाता, ये बात भी आपको समझ में आना चाहिए, है ना। सो बच्चों हमें L गिवन है, L गिवन है का मतलब हो गया हमें cos अल्फा गिवन है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा ना, cos अल्फा निकालूंगा, तो cos अल्फा कितना हो जाएगा, देखिए cos अल्फा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, ये वाला आपका हो जाएगा बेस, है ना। यहां से अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला बेस हो जाएगा, तो बेस का जो लेंथ है वो कितना होगा, x माइनस एक्स वन बाय
हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है वो कितना है, एपी होगा, ठीक है। तो ये कॉस अल्फा का एक्सप्रेशन मुझे मिला, ठीक है ना, और कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक। ठीक उसी तरह इस ये जो लाइन है प्रोजेक्ट में अब वाई एक्सिस में करता, ठीक है ना, तो वहां अगर मैं प्रोजेक्ट करता तो मुझे क्या मिलता, कॉस बीटा इज इक्वल टू मुझे मिलता वाई माइनस वाई वन बाय एपी मिलता, एंड दैट इज इक्वल टू एम, ये भी हमें गिवन है। ठीक उसी तरह अगर मैं जेड एक्सिस में ये प्रोजेक्ट करवाता तो क्या होता, जेड माइनस जेड वन बाय एपी इज इक्वल टू एन हो जाता। आई होप बच्चा आपको बढ़िया से समझ में आता होगा, ठीक है ना। तो यहां से बच्चों मैं बना सकता हूं x माइनस एक्स वन बाय एल, ठीक है ना, x माइनस एक्स वन बाय एल इज इक्वल टू एपी इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय एम इज इक्वल टू भी एपी, एंड जेड माइनस जेड वन बाय जेड माइनस जेड वन बाय एन इज इक्वल टू भी एपी। समझ रहे ना, ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, ये यहां पर, और ठीक उसी तरह यहां पर भी मैंने वही किया। तो देखिए सबका राइट साइड में क्या आ जाएगा, एपी 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 आ जाएगा। तो अगर राइट साइड इक्वल हो जाएंगे तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा x माइनस एक्स वन बाय एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय एम इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय एन। तो ये जो एक्सप्रेशन निकला बच्चों, ये होता है इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस, जिसको अपने सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, ओके। तो बच्चों ये इन टर्म्स ऑफ डीसीएस है, मैंने क्या बोला था, अगर हमें एक पॉइंट के साथ डायरेक्शन मेंशन हो, और डायरेक्शन क्या हो सकता है, डीसीएस भी हो सकता है, ठीक है, एंड डीआरएस भी हो सकता है। तो डीसीएस अगर गिवन होगा तो इस प्रकार का वो इक्वेशन होगा, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन बाय एल इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय एन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय एन। अब अपने समझेंगे कि अगर डीसीएस की जगह में डीआरएस दिया होता तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनता। बच्चों आप सभी को पता होगा एल इज इक्वल टू क्या होता है, ए बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमने बताया था आपको। एम इज इक्वल टू क्या होता है, बी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इज इक्वल टू होता है सी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है ना। और यहां पर हमें एल एम एन दिया गया है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें अगर रिप्लेस कर दूं एल एम एन की वैल्यू तो वो कैसे दिखेगा, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन बाय बी बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड जेड माइनस जेड वन बाय सी ओपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये तीनों इक्वेशन में, तीनों एक्सप्रेशन में सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को बचा क्या, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाय बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाय सी, और ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जिसमें डायरेक्शन रेशियो को हमने यूज किया है, ठीक है। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग आपको कुछ प्रॉब्लम करा देता हूं, आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना, ओके। चलिए एक प्रॉब्लम लिखिए, इसको पहले मिटा देता हूं। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, एक लाइन है, ठीक, वो ये वाला पॉइंट से पास हो रहा है, थ्री टू माइनस सेवन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। और इस लाइन का अपने को क्या गिवन है, डी आर एस गिवन है, इस लाइन का डी आर एस गिवन है, दैट इज वन माइनस फाइव सिक्स। पूछा क्या जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बता दो, तो क्या करेंगे, सिंपल है, ये पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, तो अपना फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए वाई माइनस वाई वन बाय बी जेड माइनस जेड वन बाय सी, है ना।
तो बस क्या करना है, ए बी सी की जगह में ए बी सी डालेंगे, मतलब डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी में लिखते हैं, और एक्स वन वाई वन जेड वन की जगह में पॉइंट को डालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री बाय वन, वाई माइनस टू बाय माइनस फाइव, एंड जेड माइनस माइनस सेवन हो जाएगा, तो जेड प्लस सेवन, सी की जगह में लिखेंगे सिक्स। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए इसको। ओके, नेक्स्ट नंबर करते हैं बच्चों, एक नंबर और बच्चों दिया गया है। अगर एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आपको दिया गया हो, कितना दिया गया हो, मान लीजिए 2x माइनस 5 बाय 4 इज इक्वल्स टू y प्लस 4 बाय 3 इज इक्वल टू 6 माइनस जेड बाय 6, ये दिया गया है। सवाल पूछा जा रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन। ठीक है ना, हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया गया, पूछा जा रहा है कि इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहला काम होता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, जो फॉर्मूला हमने अभी भी बनाया, उसके फॉर्म में उसको लिखना होगा। उसके फॉर्म में लिखने के लिए देखिए, मैं पहले फॉर्मेट को लिख देता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार था, एक्स माइनस एक्स वन बाय ए, वाई माइनस वाई वन बाय बी, जेड माइनस जेड वन बाय सी था, है ना। लेकिन यहाँ तो 2x माइनस 5 है, तो उसको बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 2 कॉमन ले लूंगा, तो 2 कॉमन जाएगा तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 बाय 2 और नीचे आ गया 4। ये तो फॉर्मेट में है, लेकिन प्लस में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y माइनस माइनस 4 करेंगे बाय 3, और यहाँ पर देखिए 6 आगे है, z पीछे है, तो अपने को बनाना पड़ेगा z माइनस 6, तो यहाँ पर एक माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, और उस माइनस को मैं नीचे एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये आ गया माइनस 6। ठीक है ना, तो यहां पर बच्चों ये क्या बन के आ गया, ये बन के आ गया x माइनस 5 बाय 2 बाय 2, y माइनस माइनस 4 बाय 3, z माइनस 6 बाय माइनस 6। अब मैच कर सकते हैं, ये पूरा आपका वो फॉर्मेट में आ चुका है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो यहां से मैं drs को निकाल सकता हूं, तो drs कितना हो जाएगा, drs आपका हो जाएगा 2, 3, -6। अगर drs पता चल चुका है बच्चों, dcs आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। dcs फाइंड कैसे करेंगे, 2/√ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 9, 13 और ये आ गया 36, तो ये हो गया 49, मतलब 7 आ जाएगा। तो 2/√49, 3/7 में डायरेक्ट लिख देता हूँ, -6/7 लिख देते हैं, है ना। तो DCS आपके आ जाएगा 2/7, 3/7, -6/7। तो यहाँ पर हमने DCS भी निकाल दिया बच्चों, ठीक है ना। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों और भी नंबर्स है, और इसका और भी फॉर्म है, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ओके।